दोस्तों फिर से हाजिर हूँ आपके साथ कुछ अपडेट्स लेकर। आज कुछ खास कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हुआ यूट्यूब के साथ, क्योंकि जिस एग्जीक्यूटिव के साथ मेरी जो कम्युनिकेशन जो है वो चल रही है वो आज शायद उसका ऑफ था। इस वजह से सुबह मैंने कई सारे मेल्स वहां पर ड्रॉप किए थे, लेकिन उसका जवाब मेरे पास शाम को आया। तो कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर आज की जो अपडेट है क्या चल रहा है वो सब बताइए। तो अब टाइम मिला मुझे आप सबसे इंटरेक्शन करने का, क्योंकि शाम ही को मेरे को मेल जो है वो रिसीव हुआ था जिसमें उसने कहा था कि आप बिल्कुल रेस्ट अश्योर्ड रहें, आपकी जो इशू है उसको कंसिडर कर लिया गया है और उस पर काम चल रहा है। हालांकि ये 2 दिन से फीडबैक मुझे यही मिल रहा है कि आपका जो मेरा जो इशू है हैकिंग का, जो मेरे 4 चैनल जो है वो हैक्ड है, जिसमें से एक चैनल जो है सीएल एजुकेशन, उसके ऊपर काफी हद तक उसने जो नॉनसेंस वीडियो मैं कहूंगा जो कंटेंट उसने पता नहीं किसका कंटेंट उठा उठा के वो डाल रहा है मेरी तरफ, वो उस पर मैंने बोला था उनको कि भैया ऐसे ऐसे बात है और डाल रहा है वो, तो उसने यही बोला है कि हम वर्क कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम आपको इसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि मैं वेट ही कर सकता हूँ, वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आज जो था कुछ लोगों से इंटरेक्शन हुआ था वीडियो चैट के थ्रू, जिसमें से एक चैनल था जेके स्मार्ट, उन्होंने भी काफी हद तक सपोर्ट किया है मुझे। और एक हिंदुस्तान न्यूज उनका चैनल जो है वो हैक हुआ था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनका कैसे कैसे रिकवर आया। हालांकि उनका जो केस था वो मेरे केस से अलग था, उनके 4,82,000 सब्सक्राइबर हैं और उनका जो चैनल था वो किसी इंडियन हैकर ने हैक किया था और उसके एवज में कुछ पैसे वैसे मांगे थे और उनके अकाउंट तक वो पहुंच गया था। मतलब अकाउंट डिटेल होती है ना, हमारी बैंक डिटेल होती है नेट बैंकिंग वगैरह की, वहां तक वो पहुंच गया था। तो उसने बताया कि मैंने भी गूगल की टीम से ही इंटरेक्शन किया और वहीं से जो है मुझे मतलब जो भी फीडबैक मिला वो मुझे वहीं से मिला। तो फिलहाल तो यही है कि आप में से कई लोग यार मेरे को पूछ कह रहे थे कि आप किसी हैकर से बात कर लो, इससे बात कर लो। यार जो गलती उसने की वो मैं क्यों करूं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गूगल की जो टीम है यार वो सपोर्टिव है, जो ग्लोबल की टीम है, मैं इंडिया की टीम की बात नहीं कर रहा हूँ। टीम यूट्यूब इंडिया की तरफ से इतने ट्वीट मैं कर चुका हूँ अपनी तरफ से, आपने रीट्वीट भी बहुत सारे किए हैं, लेकिन कोई भी रिप्लाई अभी तक मुझे नहीं मिला है। इस बात की शिकायत है मुझे और इस चीज को मैं उन सभी यूट्यूबर से कहूंगा जो लोग इवेंट्स में जाते हैं। मैं खुद भी इस बात को कह रहा हूं कि नेक्स्ट इवेंट में जो भी मैं जाऊंगा उसमें मैं इस इशू को उठाऊंगा कि वहां इवेंट्स के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, कहा जाता है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको सोल्यूशन देंगे, हम आपको बताएंगे। लेकिन आज जब मेरे को दिक्कत है, या मैंने कई लोगों से बात की है इन 3-4 दिनों में, सबने मेरे को यही बोला है कि इंडियन जो टीम है यूट्यूब की जो इन सब चीजों को देखती है वो रिप्लाई नहीं करते। हालांकि कुछ लोगों का कहना भी था कि वो बाउंड नहीं होते रिप्लाई करने के, लेकिन अगर वो बाउंड नहीं होते रिप्लाई करने के तो फिर वो हमें अपने ईमेल एड्रेसेस क्यों देते हैं कि आपको दिक्कत है तो आप हमें मेल करिए, आप हमें बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो मेरी ये कहने का मतलब है कि जब आप इवेंट्स में जाएं गूगल के तो इस इशू को जरूर रेज करें कि कोई एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो होना चाहिए। जैसे हम लोग जब एयरटेल में या कहीं वोडा में जब हम लोग कंप्लेंट करते हैं तो हमें कंप्लेंट नंबर मिलता है जिससे हम ये ट्रेस कर पाते हैं कि हमारा जो इशू है वो कहां तक प्रोसीड हुआ है। यूट्यूब गूगल के अंदर ऐसी कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। अगर मैंने आज प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे फीडबैक मिल रही है, अच्छी बात है, मेरे को शांति है कि चलो मेरा काम, मेरे उस पर काम हो रहा है, लेकिन क्या प्रोसीडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो मुझे पता ही नहीं है। तो कम से कम कुछ ऐसा हेल्पलाइन नंबर बनाइए। आप गूगल एडवर्ड्स का हेल्पलाइन नंबर देते हैं, आप और भी चीजों के हेल्पलाइन नंबर देते हैं, लेकिन जो क्रिएटर आपको पैसा कमा के देता है जिससे आप 45% ले रहे हो, उसको आप कोई हेल्पलाइन नहीं देते, आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती। ये सब चीजों के लिए मैं कहूंगा कि आप लोग भी वीडियोस बनाएं और इस चीज को उठाएं कि कल को अगर हमारा चैनल हैक हो रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई हमें जो स्ट्राइक्स होती है, फर्जी स्ट्राइक्स होती है वो हमें दे रहा है, तो उसकी अपील हम कैसे करें। सिर्फ हमारे पास गूगल के ईमेल एड्रेसेस हैं अपील करने के नाम पर। तो ये एक चीज ऐसी है जिसको मुझे लगता है एज ए बीइंग ए यूट्यूबर, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये हर आदमी के यूट्यूब कैरियर में होता है ऐसा कि उसको स्ट्राइक्स मिलते हैं, उसको फर्जी कमेंट्स मिलते हैं, इस तरह की चीजें आपके साथ होती हैं। तो एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए,
जिससे हम लोग इंटरेक्शन कर पाए। आप मिलियन ईयर की कंपनी है, कम से कम एक टोल फ्री नंबर तो आप अफोर्ड कर ही सकते हैं। दूसरी बात, आप में से कई लोगों ने मेरे से पूछा था यार कि हमारी जो डेड आईडी है उनको हम कैसे देखें। भाई वो तो ये है कि आपके पास अगर आपने कुछ आईडीज बना रखी हैं तो वो तो आपको मैनुअली देखनी पड़ेंगी, या तो आपने कहीं लिखी भी होंगी, या अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपने स्टोर किए हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। ये तो आपको ही पता करना होगा कि आपने कौन कौन सी ईमेल आईडी बनाई है। अगर आपको पता चल जाता है कि ईमेल आईडी आपने कौन कौन सी बनाई है तो प्लीज जाके उनको चेक करिए, क्योंकि ये लोग, मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर अगस्त की बात है, जब हम लोग गूगल के एक इवेंट में थे तो उन्होंने बोला था कि जो डेड आईडी है, और उस समय ऐसा हुआ भी था, अगर आप पुराने यूट्यूबर हैं, कि अगस्त के समय में कई लोगों के सब्सक्राइबर 100 100 150 सब्सक्राइबर जो हुए थे वो खत्म हो गए थे एकदम से। मेरे साथ भी हुआ था कि एक दिन सब्सक्राइबर बढ़ने की बजाय मैं माइनस में चला गया था। वो हुआ ये था कि जिनकी टेड आईडीज थी, जो आईडीज 3 3 चार 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 साल से खुली नहीं थी, उनको गूगल ने अपनी डेटाबेस से हटाना स्टार्ट कर दिया था, जो कि कहूंगा एक अच्छी मुहिम है कि हैक हो जाए उससे अच्छा है कि आप डिलीट ही कर दो। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये अच्छा मैकेनिज्म था। मेरी गूगल से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो डेड आईडीज हो जाती हैं, जिनको हम लोग खुद भूल जाते हैं, उनको प्लीज वो डिलीट कर दे तो बेहतर है। और जहां तक रही टू टाइप वेरिफिकेशन की, योगी ने आज जो वीडियो बनाया था उसमें काफी हद तक आपको बता दिया था, और जो मेरी पहले वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मेरा चैनल हैक हुआ था, वो आप जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि टू स्टेप वेरिफिकेशन। देखो अगर हैक होना है तो टू स्टेप थ्री स्टेप कुछ नहीं होगा, अगर उसको एक जगह एक्सेस मिल गई तो वो टू स्टेप तो आराम से हटा देगा, क्योंकि जहां पर टू स्टेप क्या होता है, एक आपका मोबाइल नंबर तो होता है, अगर मोबाइल नंबर आपका हटा देगा वो अपना डाल देगा तो कोड आपके उसके पास चला जाएगा, और ये जितने भी कांड होते हैं रात में होते हैं जब इंडिया में लोग आराम से सो रहे होते हैं। तो ये चीजें जो होती हैं ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, आप में से कई लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाए, मुझसे बहुत लोगों ने इंटरेक्ट किया। मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है, बहुत से लोग ये नंबर मांग रहे हैं, मैं अभी नंबर आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको एक व्हाट्सएप का नंबर जरूर अपना फ्लैश करूंगा कुछ दिनों में, क्योंकि जो फोन है मेरा, मेरे पास अभी सिंगल ही फोन रह गया है, दूसरा जो फोन है वो मेरा आपको पता ही है हुआ है, तो मैं उसको बिल्कुल चांस नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आप इंस्टाग्राम पे मुझसे वीडियो चैट भी कर सकते हैं, और मैंने आज भी कई लोगों के साथ बात की थी, और आप मुझसे चैट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो आईडी है वो भटनागर अभी 24/11 है। ऐसी सपोर्ट कीजिए, इस प्रॉब्लम में आप लोगों ने मेरा जो सपोर्ट दिया है मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ। मुझे ऐसे लोगों से एक्सपेक्टेशन थी जो लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जिनको मैंने उनके गलत टाइम पर उनको मैंने सपोर्ट किया, तो इस बात का दुख भी है। लेकिन योगी को मेरे को बहुत बहुत थैंक यू बोलना है, क्योंकि योगी मेरे साथ खड़ा रहा है और योगी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे इस इशू को रेस किया, तो थैंक यू योगी, और बहुत जल्दी मिलूंगा तुमसे, और जब भी कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। टू स्टेप वेरिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखिए, और कोशिश कीजिए कि हर 6 महीने में, अगर आपका यूट्यूब चैनल 1 लाख से ऊपर है, 50,000 से ऊपर है, 10,000 से ऊपर है, या 1,000 से ऊपर है, तब भी आप फ्रीक्वेंटली अपने पासवर्ड को चेंज करते रहिए। मोबाइल के अंदर एक एंटीवायरस डालिए, ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा डालते हैं। मैंने आज कैस्पर स्काई जो है वो मैंने आज डाला था, तो आप कोई सा भी डाल सकते हैं, लेकिन पेड डालिएगा, क्रैक बटन नहीं डालिएगा, जिससे कोई एक्टिविटी ना हो। तो आज की तो अपडेट यही थी कि वहां पर काम चल रहा है, और यार मैं चाह रहा हूँ कि कुछ नई वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँ, पर हिम्मत जो है वो बनाऊँ अपनी। तो आप पूछ लो मुझसे कौन सा चाहते हो। वैसे मैंने सोचा था हिंदी थंबनेल के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी में थंबनेल बनाने में दिक्कत आती है, तो अगर आप चाहते हो कि हिंदी में थंबनेल मैं बनाऊं तो आप कमेंट करके मेरे को बताओ कि कब बनाऊं। ठीक है, मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो, मैं ठीक हूं, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।